कल हमने पढ़ा था कार्टेबल, हमने कहा था ए क्रॉस बी में जो अवयव आएंगे वो एक्स कॉमा वाई की तरह आएंगे, जहाँ एक्स ए का अवयव होगा और वाई बी का। अगर हम कहें R एक सेट है, R एक क्या है, एक समुच्चय, और किस प्रकार का समुच्चय है कि R सबसेट हो जाए किसका, यानी R का निर्माण A क्रॉस B के अवयव से, ठीक है। तो यदि तो R एक संबंध या थोड़ा सा मैं बोल देता हूं, तो R समुच्चय A से B में संबंध, इसको लिखने का तरीका है कि R का मतलब है आर एक संबंध है कहां ए से बी में, क्या अर्थ है, का अर्थ है आर एक संबंध है कहां ए से बी, और आर में जो अवयव आएंगे वो कौन से अवयव आएंगे, एक्स को वाई टाइप के अवयव आएंगे, जहां एक्स अवयव होगा ए का और वाई अवयव होगा बी का, और साथ साथ आर जो है वो सबसेट होगा ए क्रॉस, यानी आर के अंदर ए क्रॉस बी के जितने भी अवयव है वो सारे नहीं आएंगे, कुछ है बस ना। तो आर क्या कहलाएगा, संबंध, जैसे हमारे आसपास में घरों में संबंध होते हैं, पिता पुत्र का संबंध, भाई भाई का संबंध, भाई बहन का संबंध, ऐसे गणित में संबंध होते हैं, दो समुच्चय के उस संबंध को किससे लिखा जाता है, कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है एक्स आर में, उसको लिखा है ये भी तरीका, इसका मतलब है अवयव एक्स वाई से संबंध, किस प्रकार संबंधित है ये सवाल में बताता है कि किस प्रकार संबंधित, ये हम सवाल करेंगे अभी क्लियर। इससे पहले यदि ए के अवयवों की संख्या ए है और बी के अवयवों की संख्या बी, तो हम जानते हैं एन ए क्रॉस बी के अवयवों की संख्या कितनी आती है, ए के अवयवों की संख्या बड़ा बी की, ये किसकी संख्या निकल कर आई, ए और बी के कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या, कार्तीय गुणन क्या होता है मैंने कल बताया। अब अगर मैं कहूं ए से बी में किसकी संख्या संबंधों की, ए से बी में किसकी संख्या संबंध, इसलिए आ जाएगी क्योंकि किसी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है, अगर कोई समुच्चय है जिसके अंदर ए अवयव है तो उसके उप समुच्चयों की संख्या दो के साथ एन होगी, ध्यान आया, किसी भी समुच्चय के अगर हम उप समुच्चय बनाएंगे तो उसके उप समुच्चयों की कुल संख्या जो आएगी वो दो के घात एन है, जैसे हमने तीन अवयव लिए थे उप समुच्चय बनाए, कितने उप समुच्चय आए, अवयव कितने आए उसमें, आठ आए, जैसे एक दो तीन लिया, पहले एक एक समुच्चय, फिर दो को लेके एक समुच्चय, तीन को लेके एक और दो को लेके बनाया, दो और तीन को लेके बनाया, तीन और एक को लेके बनाया और एक रिक्त समुच्चय बनाया, तो कुल मिलाकर समुच्चय कितने निकल के आए, आठ, दो की घात तीन। तो याद रखिए किसी समुच्चय के जो उप समुच्चयों की संख्या होती है वो दो की घात एन होती है, और जो आर है वो कार्तीय गुणन का उप समुच्चय है, ठीक है। तो आप बताओ ए से बी में संबंधों की संख्या कितनी होगी, क्योंकि आर जो है संबंध जो है वो ए क्रॉस बी का क्या है, उप समुच्चय, ए क्रॉस बी यानी ए का और बी के कार्तीय गुणन में कितने अवयव है, ए बी, तो इसकी उप समुच्चयों की संख्या होगी दो की घात
जितने भी अवयव एक रॉजी में है ए भी है, दो की घात लगा दो उतने ही उपसमुच्चय इसके संभव होंगे और इसके उपसमुच्चय संबंध कहलाते हैं, इसलिए ए से बी में इतने ही संबंध संभव होंगे, दो की घात एन ए गुणा एन बी ऐसे भी हो गया। बात समझा दें कि ऑब्जेक्ट होना है। सवाल बहुत ही आसान है, इसमें फ्री के नंबर है, किताब नहीं वाली किताब, नहीं वाली है, नहीं किताब नहीं है। कृष्णा वाली 1.4 हो गई, 1.5 कर ली होगी, हो गई 1.5। अरे खत्म, ये तो अगला पार्ट चल रहा है, 2.1 कल हो गई थी और 2.2 पे आज बात। देखो एक भी दिन छुट्टी करोगे तो 11th क्लास में, मैं खास बात है बता रहा हूँ आपको, एक दिन छुट्टी का मतलब है चैप्टर गया, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि हमने एक दिन द्विघात सूत्र पढ़ा दिया और फिर द्विघात सूत्र पर आधारित हम सवाल करा रहे हैं, इसमें रोज़ नए कंसेप्ट और रोज नई चीज़, तो आपको एक दिन की क्लास मिस नहीं करनी है, कोई दिक्कत है वीडियो बनता ही है वहाँ से आप देख सकते। देखिए सवाल क्या कह रहा है, मान लीजिए ए एक सेट और ए में जो अवयव है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक अवयव है, इसने डैश लगा दिया था मैंने सारे में, आर एक संबंध है, इस प्रकार का संबंध है भाई कि इसमें एक्स कॉमा वाई टाइप के अवयव, अब कार्तिक उन लोग सारे आए थे, यह इसने प्रतिबंध देगा आपको, इसने कह दिया कि भाई वाई बराबर जो है वो एक्स प्लस पांच, जहां एक्स संख्या चार से कम है, ठीक है, और एक्स कॉमा वाई किसको बिलोंग कर रहे हैं, एन को, एन क्या होती है प्राकृत संख्या, यानी 1, 2, 3, 4, ये आपका सवाल है। अब आपको ए से ए का एक संबंध आर लिखिए, क्या लिखना है, ए से ए का संबंध आर, एक मिनट, हाँ बोलिए, ये तो 3x - y = 0 है और छोटा होगा, तीन एक्स माइनस वाई बराबर, और एक्स और वाई कैसे हैं, वो ए को बिलोंग करते, और आसान। अब आपको ए से ए में संबंध लिखना है, यानी आपको संबंध लिखना है आर, कहाँ से लिखना है, ए से, जब भी वो कहें समुच्चय में संबंध, समुच्चय में संबंध मतलब है कि समुच्चय का उसी समुच्चय के अंदर अंदर आपको संबंध निकालना है। अब आप देखिए हमारे पास है संबंध कैसे डिफाइन किया उसने, एक्स आर वाई, उसने बताया है ये लिखने का तरीका होता है, एक्स वाई से संबंधित है और एक्स और वाई में संबंध क्या है, गणित में क्या संबंध होती है, जोड़ना घटाना गुणा करना भाग करना, ठीक है, तो ये x और y में संबंध समझा रहा है, ये x और y का मतलब है x y से संबंधित है, x is related to y, कैसे रिलेटेड है, ये माइनस y इक्वल टू, यहाँ तो y इक्वल टू कितना, अब संबंध आप निकाल सकते हैं, r में तो अभी हम a कॉमा b टाइप का है, x का मान एक लो, y का कितना है, एक दिया, x का मान दो लो, कितना है, एक्स समान तीन लो, एक्स समान चार लो, एक्स समान पांच लो, 15 है क्या, संबंध हमारा है y इक्वल टू 3x और किसमें है, a से a में, और ये कहां तक है, तो हम x का मान ले सकते हैं क्या, जल्दी बताओ, Thank you.
पढ़ोगा बैठ के, जाओ पीछे बैठ जाओ। एक्स का मान एक रखा तो वाई का तीन आ गया, समझ में आ गया? बात आई दिमाग में तुमने बात, अभी और आएगी। अब इसने तीन बातें हमसे पूछी, एक पूछी है प्राण, एक पूछी है सैमरान, और एक पूछा है तो हिंदी में तो इन्हें खाली एक आध साल याद रखोगे, इनकी इंग्लिश याद रखो। दो भी याद रखिए, कोडोमेन जो होती है जैसे मैंने लिखा ए से बी, लिखा है ए से बी जो लिखा है, इसमें डोमेन जो है वो ए है और कोडोमेन कौन है? पहला वाला डोमेन होता है और बाद वाला कोडोमेन, पहला वाला प्रांत होता है और बाद वाला सर। ये क्लियर हो गया? अब बताओ इसमें डोमेन क्या होगा? डोमेन होगा वो जो अवयव दूसरे अवयव से संबंधित है। पहले बार कौन कौन से ऐसे बताओ, एक है, दो है, तीन है, चार, ठीक। को डोमेन में हुआ एक दो तीन से लेके कहां तक? अभी अंतर आ जाएगा दोनों। और परिसर हुआ जिसे हम रेंज कहते हैं वो हुआ तीन छ नौ, समझ आए? यहां पर प्रांत है एक दो तीन चार, क्योंकि ये वाले चार अवयव से संबंधित, ठीक है, और कोई अवयव आएंगे। और उसके अलावा ये सैप्रांत आ गए, सैप्रांत में सारे आ जाएंगे, और ये आपकी परिसर, ठीक है। अभी और देखते हैं, प्रांत नहीं बतानी, क्या क्या बतानी है? प्रांत और परिसर। पहले तो देखो x r y, x y से संबंधित किस प्रकार से y बराबर x plus s, ठीक। x का मान चार से कम, ये तो पता है ना, क्योंकि x का मान किससे कम है? चार से कम है। तो आप देखो वन r y अभी आ जाएगा, टू आर वाई, वाई बराबर दो प्लस पाँच सात, थ्री आर वाई, यानी ये वाली बात समझ आई, एक्स वाई से संबंधित है किस प्रकार? वाई बराबर एक्स प्लस पाँच। तो वन क्योंकि एक्स का मान चार से कम, क्या क्या होगा? एक दो तीन, एक्स का मान अगर एक लिया, एक्स वाई से संबंधित है, कैसे संबंधित होगा? वाई बराबर एक प्लस पाँच, दो कैसे संबंधित होगा? ठीक है, संबंधित। अब आप ये बताओ रोस्टर फॉर्म में अगर मैं आर को लिखूंगा तो क्या आएगा रोस्टर फॉर्म? एक कमा छः, दो कमा सात, तीन कमा आठ। पिछली बार मैंने आपको ऐसे करके नहीं दिखाया, मैंने आपको डायरेक्ट लिखा था कि आप एक्स लगाओ, नहीं तो आपको क्या करना था? आपको करना था वन आर एक्स, यहाँ से इम्प्लाई हुआ
अच्छा y बराबर 3 गुणा a, 2rx यहाँ से अप्लाई हुआ, y बराबर 2 गुणा 3, 6, और 3rx यहाँ से अप्लाई हुआ, y बराबर 3 गुणा 3, 4rx यहाँ से अप्लाई हुआ, y बराबर 4 गुणा 3 यानी 12, और 5rx यहाँ से अप्लाई हुआ, y बराबर 4 गुणा 5 बराबर 15, जो बिलोंग नहीं करता किसको, बाकी सभी को बिलोंग। तो चलो आप फिर यहाँ से इसको बनाते हैं, ये आया 1, 3 कि वाई का, क्योंकि एक्स का मान डालने पर वाई का मान निकल जा रहा है वही लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, दो चरों और एक समीकरण आपको पढ़ाया दूसरे तरीके से जाता है, आपको समुच्चय को ध्यान में रख के पढ़ाया जाता है, जबकि सब सब पढ़ चुके कक्षा 7 की तो बातें हैं, एक्स का मान डालोगे तो वाई का क्या मान आएगा, कक्षा 7 का पढ़ लगता है, यहाँ अलग बात है, यहाँ एक्स के मान को डोमेन कह दिया और वाई के मान को क्या कह दिया, परिसर, और जो खाली बचे और वाई के मान थे उन्हें क्या कह दिया, सेट। चलो इसमें बताओ प्रांत कितना होगा, प्रांत में अंग्रेजी क्या कहते हैं, डोमेन, बताओ कितनी होगी डोमेन, 1, 2, 3, उसके बाद रेंज बताओ, 6, 7, रेंज को हम कहते हैं परिसर, बच्चे इसमें बहुत परेशान रहते हैं, कितना हुआ 6, 7, उसके बाद इसमें कुछ नहीं है, मैं बता देता हूँ, सह प्रांत जिसे कहते हैं कोडोमेन, कोडोमेन कितनी होगी, कोडोमेन होगी कितनी, 1 से 8, कोडोमेन किसके मान है, वाई के, एक्स और वाई कैसे हैं, नेचुरल नंबर, वाई कैसा होगा, नेचुरल नंबर, वाई का कोई प्रतिबंध दिया नहीं है, इसका मतलब वाई कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, इसलिए सह प्रांत जो है वो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है 1 से लेकर अनंत तक, लेकिन जो संबंधित है अभी, अब संबंधित कौन है, 1, 6 से संबंधित है, 2, 7 से संबंधित है, किस संबंध के अंतर्गत, इस संबंध में कि जब x में 5 जोड़ते हैं तो y आता है, एक संबंध समय, जैसे चाचा की जेब में अगर 500 रुपये हैं तो चाचा जी हैं, जी का संबंध है, तो नहीं है, जिसकी जिम्मे नोट उसके नाम के आगे जी लग जाता है, संबंध का महत्व बढ़ जाता है ना, लेकिन गणित में संबंध बदलते नहीं, ये संबंध है एक्स वाई बराबर एक्स प्लस 5, तो 1 और 6 संबंधित हैं, तो 1 और 6 ही संबंधित हैं, चाहे मार्कर से लिखो, चाहे जेल पेन से लिखो, चाहे नीले पेन से लिखो, चाहे काले पेन से लिखो, चाहे पीले कागज पर लिखो, संबंध में कोई अंतर नहीं, गणित में जो संबंध है उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, एक बार एक सवाल आपने समझ लिया जिंदगी भर के लिए आपको समझा, आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है, 5 ये सबसे ज़्यादा फ्री के नंबर होते हैं, मैं तो एग्जाम में लेता ही नहीं, इतने एग्जाम लगते हैं बच्चे के फ्री में नंबर आते हैं, चलो 14 सवाल, अभी थोड़ा आकृति से देखिए, ये बनाया है और ये बनाया, ये उसने कहा 5, 6, 7, ये उसने कहा 3, 8, उसने कहा 5 संबंधित है 3 से, 6 संबंधित है 4 से, और 7 संबंधित है 2 से, तो ये कह रहा है कि ये समुच्चय P से Q एक संबंध दर्शाती है, यानी ये P है और ये Q है, एक संबंध R है, कहां से कहां जा रहा है, इसी अब इस संबंध को समुच्चय निर्माण विधि में लिखो, रूस्टर रूप में लिखो, प्रांत और परिसर लिखो, सबसे पहले किस रूप में लिखना है, समुच्चय निर्माण, x कौन है इसमें, x कौन होता है, ये पहले बार, y कौन है, तो पहले संबंध निर्धारित करो, एक्स आर वाई, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ ये वाई है ना, वाई बराबर एक्स माइनस 2 नहीं है, एक्स वन 2 लगाओ 5 लगाओ, 5 माइनस 2 3, 6 लगाओ 4, 7 लगाओ, मिल गया संबंध, अब मैं कौन से रूप में लिखूंगा, समुच्चय निर्माण कैसे लिखेंगे, क्योंकि संबंध आर है, इसमें एक्स कॉमा वाई कहते हैं, अगर हम
सो दैट वाई बराबर एक्स माइनस टू है और जो एक्स कॉमा वाई ग्राउंड करते हैं किसे नेचुरल नंबर को और साथ साथ एक्स का मान है वो बड़ा है किससे चार से और छोटा है किससे अब एक्स का मान है चार से बड़ा है और आठ से छोटा है तो चार से बड़ा कौन होगा और आठ से पूरा परिभाषित कर दिया। अब मुझे इसी को किस रूप में लिखना है रोस्टर रोस्टर रूप तो बहुत आसान होगा पांच कॉमा तीन छह कॉमा चार और सात कोई दिक्कत। अब लिखनी है मुझे प्रांत प्रांत बताओ जरा पांच कॉमा छह कॉमा सात लिखना मुझे परिसर ठीक उतार दीजिए।